ये रिश्ता क्या कहलाता है। सर आप जी? हम इतनी नाकाबंदी क्यों है? उन्हीं बच्चों और गुंडों को ढूंढने के लिए सर, जिनके बारे में आपने बताया था। पर आप लोग इधर बॉर्डर की तरफ कहाँ जा रहे हैं? Actually, we told you about those children. साहब मातृभाषा में बोलो ना, हिंदी में अच्छी लगती है और समझ में भी जल्दी आती है। इंस्पेक्टर साहब ये सब हमारे गुरुजी के मेहमान हैं। गुरुजी ने कहा इनको बॉर्डर वाली महाकाली मंदिर का दर्शन कराने के लिए, तो वहीं लेके जा रहे हैं। ठीक है जाइए। हवलदार बैरिकेड्स खोलो। सारे बच्चों को बिठा दिया गया। गुड, पुंगी जा जल्दी से थाने जा। पुंगी कैसे ले जाएगी? पुंगी को ड्राइविंग आती है। जा जल्दी से थाने जा, वहां पे पुलिस तो सब कुछ बताना। हम लोग यही है, हमें उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने, ताकि बात हमारी फैमिली पे ना आए। और उससे बड़ी बात उस ढोंगी बाबा के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने, वरना कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा और वो छूट जाएगा। जा जल्दी जा। बोल, कौन है वो? किसके लिए काम करता है? बोल बोल, वरना ऐसे ही लटका रहेगा। लटका के नहीं काटते, तुझे बिल्कुल वैसे ही गाड़ दूंगी जैसे तूने मेरे कार्तिक के साथ किया था। तुझे क्या लगा था हाँ? कोई नहीं ढूंढ पाएगा उसे। आज हमारी एनिवर्सरी तो तेरी वजह से बर्बाद हो गई, अब तू बर्बाद होगा वो भी अपनी वजह से। अपनी वजह से छोड़ दी मैंने तुझे, छोड़ दिया है तुम्हें। क्या कर रही हो तुम? हमारी लड़ाई इस बात को लेके नहीं है। मेरी तो है। बोल बोल। बता दूं, सब बता दूं। गॉड, फोन का तेरा? शुरू हो जा, रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। सारी पोल खोल तेरी और अपने उस ढोंगी गुरु की, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। We'll be right back.
शुक्र है बाल गोपाल का। थैंक यू सो मच मिस्टर एंड मिसेस गोयनका, आपने हमारी बहुत मदद की। माताजी बता रही थी आज आपकी एनिवर्सरी है। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। नैतिक जी, हम भी इनके साथ चलें, गवाही के लिए हमारी जरूरत पड़ेगी शायद। जी चलिए। भगवान का शुक्र है तुम दोनों सही सलामत लौट आए। सिर्फ हम नहीं दादी, आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक है। इसके लिए और भी बड़ा थैंक यू गंगा मैया को। तुम दोनों एक दूसरे से नाराज तो नहीं हो ना? सब कुछ ठीक है ना तुम दोनों में? कभी कभी कोई छोटी बात भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा कर सकती है दादी। ये हमें तब रियलाइज नहीं होता जब हम वो बात कह देते हैं। मुझे रुका गुलाम वाली बात भी अगर आपने नायरा के बजाय मुझसे कह दिया होता तो शायद मैं आपको बेहतर समझा पाता कि मैं क्या सोचता हूँ। अब ये तो आप भी मानती है ना कि हर रिश्ता अलग होता है, मेरा और नायरा का भी है। शायद एक अलग नजरिया है अपने रिश्ते को लेकर, जिसमें हम बहुत खुश हैं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं उसे। हमें नहीं चाहिए कोई साँचे में ढाला हुआ रिश्ता। हमें माफ कर दो बेटा, जाने अनजाने में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारा यकीन मानो, समाज के हिसाब से तुम दोनों का रिश्ता ढालने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन खत्म करने की कभी नहीं। दादी, ये तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। मेरी लाइफ में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है दादी जिसे मैं खत्म करना चाहूँ। मैं हर रिश्ते के साथ उसको बदलने के लिए तैयार हूँ और यही उम्मीद दूसरों से भी करती। मेरा सही कह रही है दादी, हर रिश्ता वक्त के साथ बदलता है। पति और पत्नी का भी बदल गया। पति अगर पत्नी से प्यार करे, उसे सपोर्ट करे, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो गुलाम बन गया है। मेरी नजर में वो सही मायनों में एक सच्चा साथी है दादी। हाँ बेटा, लेकिन हमारा समाज नहीं समझता। तो उसे समझाइए दादी। और हर बदलाव खुद से शुरू होती है, तो सबसे पहले खुद अपनी सोच बदलिए। उसके लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए किट्टू, जो शायद हमें नहीं है। पर दादी, पहले हमारी बात सुनो बेटा। इन चीजों में ना कोई पूरी तरह सही या फिर कोई पूरी तरह गलत नहीं होता, इसलिए बीच का रास्ता खोजना पड़ता है। अब छोड़ो इन बातों को और जल्दी से जाके अपनी शादी की सालगिरह मनाने की तैयारी शुरू करो और ऐसी धूम मचाओ कि सालों तक याद रहे। ये रिश्ता क्या है?